जितना भी कचरा एकत्रित होता है उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, ड्राई वेस्ट को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में उसको बांट करके फिर हम लोग उसका डिस्पोजल उसका करवाते हैं। टाइमिंग भी इंश्योर करें कि नहीं हम लोग इस समय पर आएंगे और कचरा उठा कर ले जाएंगे, अगर आप नहीं देंगे कूड़ा पॉइंट पर फेंकेंगे तो फिर फाइन भी लगाया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं उसका नवी, मैं पटना के गांधी मैदान में मौजूद हूं जहां पे सरस मेला लगाया गया। आपको बता दूं कि इस मेले में आज पटना नगर निगम के कमिश्नर द्वारा अनिमेश कुमार परासर द्वारा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जानकारी दी कि इस मेले में जितने भी कचरे हैं वो कहां उससे OWC मशीन में डाले जाएंगे और उससे खाद बनाया जाएगा। और साथ ही वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। ये जीरो वेस्ट इवेंट, यहाँ जो भी कचरा ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट निकल रहा है वो सारा का सारा इन हाउस प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब यहाँ से कचरा बाहर नहीं जा रहा है। ये पूरे मेले में लगभग संडे को 1,00,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, तो जितना भी कचरा एकत्रित होता है उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं और फिर उसका सेफ डिस्पोजल करते हैं। वेट वेस्ट के लिए ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग मशीन लगी हुई है, ड्राई वेस्ट को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में उसको बांट करके फिर हम लोग उसका डिस्पोजल उसका करवाते हैं। तो इससे क्या है कि पूरा मेला परिसर भी साफ रहता है और एक आदत, जो सफाई की जो आदत है तो वो भी बनी रहती है। तो ये आज उसी को लेकर के कार्यशाला था, आगे और भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जो बड़े बड़े जो जहाँ से कूड़ा ज़्यादा निकलता है, तो उन लोगों के लिए भी अलग से हम लोग कार्यशाला सारे लोगों का अलग अलग समय पर हम लोग आयोजित करेंगे और उनको इंश्योर करेंगे कि वहाँ से कचरा हाँ बाहर ना जाए, वो इन हाउस ही उसका प्रोसेसिंग और डिस्पोजल। और ये जो स्वच्छता का पाठशाला है इस बारे में भी आप हमें बताएं कब से ये शुरू होने वाला है। ये हम लोग 25 दिसंबर जो क्रिसमस का दिन है तो उस दिन हम लोग 6 अंचल में जो पहले जो कूड़ा पॉइंट हुआ करते थे तो वहीं पर हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ पर जो हमारे व्हीकल जो कूड़ा गाड़ी है उसके ड्राइवर और हेल्पर हैं तो वो वहाँ पर रहेंगे, पूरी नगर निगम की टीम रहेगी और हम लोग मोहल्ले में बताएंगे कि गाड़ी का टाइमिंग क्या होगा, किस समय गाड़ी आएगी, किस गली में क्या टाइमिंग होगा और उससे कि पंक्चुअलिटी जो गाड़ियाँ हमारी हैं वो समय से वार्ड में पहुँचे, समय से सेक्टर में पहुँचे। और जैसे ट्रेनें चलती हैं तो ट्रेन में स्टेशन में टाइमिंग फिक्स होता है, तो प्रयास वही होगा कि ड्राइवर और हेल्पर वहाँ पर कूड़ा पॉइंट पर ये संकल्प भी लें और फिर एक टाइमिंग भी इंश्योर करें कि नहीं हम लोग इस समय पर आएंगे और कचरा उठा कर ले जाएंगे, अगर आप नहीं देंगे कूड़ा पॉइंट पर फेंकेंगे तो फिर फाइन भी लगाया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। थैंक यू। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने बताया कि यहाँ पे OWC मशीन लगाया गया ताकि ये जो सरस मेला में जितने भी कचरे हैं वो यहीं पे है जो डंप हो जाए और जितने भी ये जो कचरे हैं उनका ही ये जो खाद बनाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 25 दिसंबर से स्वच्छता का पाठशाला भी शुरू होने वाला है। इस खबर में इतना ही, बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।